जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम गुजर नाला चार नंबर पे खड़े हुए हैं और गुजर नाला चार नंबर पे जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये वो मेन रोड है गुजर नाला चार नंबर का, जबकि आपको सामने वाटर बोर्ड के क्वार्टर्स नज़र आ रहे हैं येलो कलर के, और वाटर बोर्ड के क्वार्टर्स हैं ये येलो कलर के जो हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये ट्रैफिक जो है इस वक्त गुजर नाला मेन रोड पर जो है रवा दवा है, और बाकी अभी हम वहाँ चलेंगे जहाँ पे इन्फोर्समेंट का अमला अपने काम में मसरूफ है। इनक्रोचमेंट हो रही है, मशीनरीज मौजूद हैं, और जबकि इनक्रोचमेंट का भी जो है काम जारी है, और ये जो है ये लोग जो हैं लोगों के मकान टूटे हुए हैं, और ये जबकि जो है ये लोग जो है अपना मलबे में से जो है चीज़ें जमा करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें मालिक मकान की बहस चल रही है उनसे, और ये देखें आप इनके पास ये थैले भी मौजूद हैं, और इसमें जो है मालिक मकान बहस कर रहे हैं इनसे और इनको भगा रहे हैं। गरीब बंदे का नमाज पढ़ा रहे हैं, ये जो है मकान मस्मार किया गया है, बाबा जी क्या हुआ अभी भाई, इसको छोड़ दो यार, कुछ भी नहीं हुआ। चलें बाबा जी, इस वक्त जो है जाहिर है इनका मकान गया है, तो इसलिए थोड़े नाराज़ हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है इनका, और इसमें कोई बुरा मानने की भी बात नहीं है। जिसका नुकसान होता है उसको पता होता है, बखूबी अंदाज़ा होता है, और ये मकानात जो है देख रहे हैं आप, ये मकानात मस्मार किए गए हैं। लेकिन इस वक्त आपको मैं बताऊं कि इस वक्त ये मालिक मकान हैं, इनसे हमारी बात हुई थी, और ये जो है अपनी मदद आपके तहत ये मकान जो है तोड़ रहे हैं अपना, और जबकि इन्होंने कहा, इनसे पूछा गया तो इन्होंने, इनसे बात हुई हमारी तो इन्होंने कहा हमारा 32 से 40 फीट का निशान लगाए और जो कि मस्मार किया जाएगा, तो लिहाजा हम ख़ुद इसको तोड़ रहे हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये खुद अपनी मदद आपके तहत जो है खुद जो है मकानात में से जो है दरवाज़े वगैरह निकाल रहे हैं इस वक्त, और जबकि ये टूटा पड़ा है मकान इनका। हम आगे की तरफ भी लेके चलेंगे, ये मशीनरी हुकूमत की जो है वो गवर्नमेंट का अमला, उसकी मशीनरी यहाँ खड़ी हुई है, और जबकि अभी ये काम शायद रुका हुआ है इसलिए कि इन्होंने जो है अभी खाने का वक्फा लिया है। ये कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं, कोशिश करते हैं कि इनसे बात हो जाए हमारी और इनकी मुश्किलात, इनकी परेशानी जो है। हाँ, यहाँ पर एक ज़ईफ़ खातून जो है खड़ी हुई हैं और देख रही हैं कि अब क्या होगा और कौन इनको जो है मदद के लिए आएगा, और अल्लाह करे इनकी मदद के लिए कोई आए और इनको सहारा दे, हमारी तो दुआ है। और ये देखें ये मकान जो है टूटा हुआ है। आप ये बताइए कि ये मकान किसका है, ये जिसके सामने आप खड़ी हुई हैं? एक मिनट मैं आपको, एक मिनट मैं आपसे सवाल करता हूँ तो आप बताइएगा। एक मिनट भाई, ये मकान किसका है मजी, और ये आप यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हैं? मैं खड़ी हुई हूँ इस वास्ते कि ये हमारा मकान था, हमने किसी से लिया था, वो मर गई थी, तो उसके बाद हमारे को वो सब कुछ दे के चली गई, कागजात भी पक्के हैं, सब कुछ है, मगर ये हमारा मकान टूट गया, हम लोग इतने मजबूर हो गए हैं, हमारे घर का सामान सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बच्चे इतने परेशान हैं, किरायों में रुल रहे हैं, जगह भी नहीं है कि हम लोग अपने बैठ जाएं, इतने परेशान होकर बैठे हुए हैं, दुख में हमारी जान लड़ी हुई है। जो आप कोई मदद कर सकते हैं आप करो, कोई प्लाट वगैरह कोई चीज़ वगैरह जो चाहिए तो वो प्लाट का और ये पैसों का इन्होंने बोला है अभी तलक के कोई इन्होंने। आपसे किसने बात की है, ज़रा उनका नाम बताएं कि प्लाट का और पैसों का अल्टरनेट किसने बात की थी आपसे? सर ये मीडिया ये आए थे अपना जो कटिंग वाले हैं, ये इनका नाम हम तो हमें सर नहीं पता, पर आज ये लोग आए थे, इन्होंने बोल के गए थे हम चेक देंगे और यहाँ कैश देंगे,
तो इन्होंने ना चेक दिया ना कैश दिया। अभी न्यूज़ पे तो ब्रेकिंग न्यूज़ पे यही चल रहा है कि 500 घर को यानी कि चेक देने वाले हम, मगर अभी तक हमारे को तो नहीं मिला सर। अच्छा, ये वालदा से बात कराएं, वालदा हैं आपकी, इनसे बात कराएं। अच्छा ये बताइए कि अभी फिर आपने जो है ये जब कटिंग हुई तो ये इन्होंने तोड़ा मकान, तो इसमें जो है आप लोगों ने अभी कहाँ अपनी रिहाइश इख्तियार की? हमने ये झंडा चौक में इख्तियार की है। तो कैसे, किराए पे लिया है मकान या अपना? किराए पे लिया है, इतना परेशान होके लिया है। एमरजेंसी में तो तोड़वाया इन्होंने। हाँ, चार भुएं लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, वो मकान का किराया नहीं दे सकते, इतना परेशान हो गए हैं कि एक ही कमरे में दो कमरों में रह रहे हैं, किराया भी बहुत सारा है। हमारी अपीले के आला मकान जो हुक्मरान है उनसे हमारी अपील है कि भाई हमारे लिए कुछ करें और हमारे लिए कुछ करके जाएं ताकि हम अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। और ये वो फैमिली है जिसका मकान यहाँ पर मस्मार किया गया और डिमोलिश हुआ है जिसका मकान, और ये वो पूरी फैमिली है जो कि मुतासिर हुई है, और आप देख रहे होंगे कि इस वक्त ये खड़े हुए अपने मकान की जानिब जो है हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं और आस लगा के बैठे हैं कि शायद कोई आएगा इनकी मदद को। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कोई मसीहा इनकी मदद के लिए आएगा, और हमारी दुआ है आना चाहिए, अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए, हमारी दुआ है। ये देखें ये जो मकान है ये भी आगे से मस्मार किया गया है, जबकि ये काम जो है अमले की जानिब से जारी है यहाँ पर। ये तोड़ा जा रहा है इसको, और इस मकान को मस्मार किया गया है, डिमोलिश किया गया है, ये इस मकान को डिमोलिश किया गया है। और ये देखें, आप देख रहे होंगे ये, अच्छा ये जो है ये गुजरनाला 4 नंबर का इलाका है, ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप। और बैक साइड पे एक मस्जिद भी है जब तक शहीद नहीं हुए, जबकि पीछे एक मस्जिद भी वाक़ है, जहाँ ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मकान जहाँ अमला जो है ये डिमोलिश कर रहा है, तो पीछे ये मस्जिद भी वाक़ है ना। और ये देखें ये तोड़ा जा रहा है इसको, मकान को, ये पूरा मकान जो है मुतासिर हुआ है, इसमें तकरीबन मकान पूरा जो है ये डिमोलिश किया गया है, जो कि बिल्कुल नदी की बाउंड्री पे वाक़ था। आप ये बखूबी इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये नदी जा रही है और ये नदी की बाउंड्री है, और ये पूरा मकान जो है डिमोलिश किया जा रहा है, जो कि पूरा बाउंड्री के ऊपर वाक़ था। तो आप ये देख सकते हैं अमला काम कर रहा है और अपने फ़राइज़ की अनजान दही में मसरूफ़ है इस वक्त। और ये आपको आगे और मज़ीद आगे लेके चलते हैं कि क्या मामलात हैं, क्या हो रहा है और ये क्या करने जा रहे हैं। ये निकल के आ रहे हैं तोड़ते हुए, ये मजदूर हैं या अमला है? आप लोग कौन हैं? आप लोग अमले के हैं या अमले के हैं या खुद? तो आप, अच्छा दिहाड़ी वाले हैं, मजदूर हैं। अच्छा ये ठेकेदार हैं जी, ये कह रहे हैं हम ठेकेदार हैं, ठीक है, ना मजदूर हैं ना दिहाड़ी वाले हैं, ये ठेकेदार हैं। बाबा जी क्या मुश्किलात आ रही हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हमें बता दें, हमें कोई बता नहीं रहा, आप ही बता दें। भाई हमारा घर भर तोड़ के चले गए, ये सब तोड़ने में लगे हुए हैं भाई। अब इससे ये आसिफ अली जरदारी जो हमारे यहाँ के जो कराची के जो हैं बादशाह जो हैं गरीब इमाम के लिए जो है कुछ ना कुछ करे, ये अब ये एक नुकसान मीडिया पे ये आ रहा है, एंथराइज गुजरनाला जगह जो है हमने खाली करवा दी गई है, लेकिन इनसे ये पूछा जाए अगर यहाँ के रहने वाले वो भी नाजायज़ जाने आए हुए हैं इधर, हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की फिक्र है सबको,
लेकिन मेहरबानी करके किसके पास नहीं हो, अभी रोडों पे पड़े हैं, किसी के पास खाने क्यों नहीं है, इस चीज़ की तो आप थोड़ी बहुत हमदर्दी करें, अल्लाह का खौफ करें। आसिफ अली सरदारी साहब, बिलावर भुट्टो, इमरान खान जो भी कर रहे हैं, अब ये आपस की बात है, सब बैठ बाट के गरीबों का तो कुछ करें आप, अपने घर में जो भी बाहर है आप एक कमरे में बैठ के करी जाए। किसी को ये बताइए आपका नाम क्या है और आपका मकान कहाँ था? मकान यही था भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप थोड़ा सामान कहीं रख दिया, थोड़ा इधर है, इसी तरीके से सब जगह ये पकाओ हो रहा है भाई। ये मकान आपका कितना गर्स का था यहाँ भाई? पहले आए थे, तोड़ के चले गए थे, कह रहे हैं गाड़ी निकल जाएगी और कुछ भी नहीं है, डंपर निकल जाएगा। ये हमारी घरवाली है, इनसे बात कर रहे हैं। सीमा अपने बरियार सुना, हसरत से इस मकान को देख रही है, इसलिए बाबा से पूछा ये कौन खातून है। कोई कोई वसीला नहीं है, कोई औलाद नहीं है, यहाँ बैठे हुए कहाँ जाए, रोड पे बैठे हुए क्या करें, गरीबों का कोई भी नहीं, कह रहे थे चेक मिलेगा, चेक भी नहीं मिला, चेक दे देते चलो कहीं किराए पे चले जाते, कहाँ जाए भाई। जो भी कर रहा है भाई, गरीबों का थोड़ा तो मदद करो, तबीयत दे दे सही नहीं रहती, कहाँ जाए। अच्छा दो भी अभी भी हैं बस, अभी क्या सोचा आपने, कहाँ जाएंगे, रोड पे बैठे हुए किस क्या जाए, 3 दिन से रोड पे बैठे। सामान कहाँ है आप? सामान इधर उधर रख दिया थोड़ा सा, बताया तो औलाद वो नहीं है, दो मियाँ बीवी हैं हम। दोपहर की रोटी में क्या खाएंगे? दोपहर की रोटी में कुछ भी नहीं है, जो ला देता खा लेते, कोई भी नहीं आ रहा, किसी किसी की मदद नहीं, कोई नहीं मदद, अपनी मदद अपने आप। अभी ये सब घर टूट जाएंगे, सब मदद के लिए आ जाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपका काम पूरा कर दे, जब ये सारे मामले हो जाएंगे सब आ जाएंगे, बोलेंगे यार ये बहुत गलत हुआ यार, क्या समझे आदमी। पहले आज यहाँ के जो अहदेदार हैं उनको आगे सबकी हिम्मत बनवानी चाहिए यार, अगर ये उठा रहे हैं तो आपको हम जगह दिलवाएंगे, क्या रकम दिलवाएंगे, तुम बेफिक्र रहो यार, हमारी कोशिश है, क्या समझे। इस मौजू पे किसी ने भी बात नहीं करी, अभी ये सब हो जाएगा, सब लोग आ जाएंगे यार, ये गलत हुआ, ये नाजायज़ हुआ, ये ऐसा हुआ, लेकिन अल्लाह के वास्ते भाई कुछ रहम करें गरीबों के ऊपर। पाकिस्तानी हैं हम लोग, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खा रहे, पाकिस्तान के गुण गाएंगे भाई, इसके लिए जान दे देंगे सब। ये घर क्या है, अगर दाने देना होंगे घर दाने दे देंगे हम लोग। बाबा जी ये बताएंगे ऊपर से भी मसमान किया जा रहा है, अभी हमें आवाज़ें आ रही हैं। हाँ ये सब जा रहा है। अच्छा ऊपर ऊपर अमला काम कर रहा है, ऊपर लोग काम कर रहे हैं? नहीं अभी ये तोड़वाने में लगे हैं, किसके पास पैसे नहीं है, वो ठेकेदार को दे के लोया वाया बेच के वो पैसे ले रहा है। अच्छा क्या करते अभी ये चटेंगे, ये चटेगा वो भी। अच्छा जो इसमें आपको बाबा ने अभी हमारी बाबा से बात हुई, बाबा ने बताया कि जो लोग जो है जिनके पास पैसे नहीं है तोड़ने के, तो वो जो है क्या कहते हैं अपने कबाड़ियों कबाड़िए को जो है हायर करते हैं, ये जैसे ये कबाड़िया इसका ठेला यहाँ खड़ा हुआ है उसको हायर करते हैं, और उससे जो है वो जो सामान निकलेगा उसकी मद में जो है वो रकम जो है वो उसको काट लेगा और आपको जो है घर मसमार करवा देगा। ये मजदूर लगे हुए जैसे कि ऊपर देख रहे हैं आप जी, अगर कोई बोल रहा आगे खड़े हो जाते हैं भाई खाली कर दो हम तोड़ रहे हैं, लेकिन वो इंसान अगर वो बोल रहा है भाई आज हमारे को टाइम दे दो, आज हम सामान उठा लेंगे, कल आपको ये खाली मिलेगा, कल आ जाना, लेकिन वहाँ ये जवाब दिया जाता है नहीं अभी हमने तोड़ना है। जो गरीब है उसको जो है उसी टाइम बराबर कर दिया, जो सही मानों में मालदार है वो बोल रहा है भाई हम सामान निकाल ले, चलो भाई सामान निकाल लो, अगर एक आँख से नहीं देखे दोनों आँखों से देखा जाए, इंसाफ करा जाए तो सबके साथ एक ही इंसाफ होना चाहिए, छोटा बड़ा इसके अंदर नहीं होता है, ऊपर अल्लाह बैठा हुआ वही इंसाफ करने वाला है। जो हमारे ऊपर हम लोगों को फ़ख्र कर रहे हैं, ये हमारी हुकूमत है, हम फ़ख्र कर रहे हैं, इंसाफ करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। बेशक जी बिल्कुल, इंसाफ अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई नहीं दिलवा सकता किसी को भी।
और अभी हम जो है उस जगह पे शायद आपसे जो है आपको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर का व्यू दिखाएंगे हम आपको और उस जगह पे लेके जाएंगे जहां हमला काम कर रहा है जी। हाँ अच्छा, ये देखें जी, ये अभी इस मुकाम पे जहां हम खड़े हुए हैं, गुजर नाला 4 नंबर का ये इलाका है जहां पर ये डिमोलिशन हो रही है। और जबकि एक मकान के अंदर का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमला जो है, ये मजदूर जो है इस वक्त काम कर रहे हैं। और ये कमरा है, ये मकान अंदर से हम वो एरिया दिखा रहे हैं आपको, यहाँ काम चल रहा है और डिमोलिशन जो है की जा रही है। ये वो छतें जो डिमोलिश कर दी गई है, 2 छतें जो हैं इस वक्त डिमोलिश की जा चुकी हैं, आप देख रहे होंगे। और जबकि मजदूर जो है वो ऊपर जो है वो चढ़े हुए हैं, और ये मलबा जो है आप इस कमरे में देख रहे होंगे, ये वो कमरा है। और यहाँ पे ये वो घर का किचन है, ये किचन था जो मुतासर फैमिली है, ये वो किचन के तौर पे इसको यूज़ कर रही थी। और ये जीना जा रहा है ऊपर, जिस जीने के थ्रू हम आपको ऊपर से मंजर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो पहला फ्लोर है जिसको डिमोलिश किया जा चुका है, तो हमने आपको नीचे से व्यू दिखाया था जिसका। और ये देखें भाई, भजन ऊपर से इस तरफ आके ज़रा आइएगा ज़रा, क्योंकि हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए इनकी मदद ले रहे हैं कि आपको दिखाया जा सके कि डिमोलिश किया जा रहा है। तो ये देखें, ये देख रहे होंगे आप, और हम यहाँ आने में कामयाब हो गए। और ये वो साहब हैं, आप ज़रा इस तरफ आगे तोड़ें तो मुझे नज़र आएगा, इस तरफ आगे तोड़ें, उस तरफ, उस तरफ। हमने ऊपर जो काम करने वाले मज़दूर हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि उस साइड पे आगे तोड़ेंगे तो ये हमें वाज़ह तौर पर नुमाया होगा कि कहाँ डिमोलिशन की जा रही है। और ये देखें, हम आपको मज़ीद जो है वाज़ह तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। ये अपनी मदद आपके तहत मकान को मसमार किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। और ये देखें जी, मजीद मजदूर जो है वो आ रहे हैं, और ये जीने का रास्ता इस वक्त जो है तोड़ा जा रहा है। और ये जीना है, ये इस मकान का जीना है, ऊपर आने का, नीचे जाने का रास्ता है, जिसे अपनी मदद आपके तहत मसमार किया जा रहा है। और ये सारी सूरत हाल इस वक्त हम आपको, जो भी सूरत हाल है हम आपको, ये ऊपर जो है चढ़ने के लिए ये सीढ़ियां हैं, लकड़ी की सीढ़ियां हैं ऊपर आने के लिए, जिनके ज़रिए मैं आपको ऊपर का व्यू दिखा के आ रहा हूँ और वापस नीचे की तरफ आ रहा हूँ। और भाईजान एक मिनट ज़रा हम उतर सकें आराम से आगे। और ये वो किचन है जिसकी छत तोड़ी जा रही है, इस मकान की किचन है, इसकी छत को तोड़ा जा रहा है। और ये देख रहे हैं आप इस मकान की छत को, किचन की छत को मसमार किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। और ये सारा काम अपनी मदद आपके तहत किया जा रहा है, मजदूरों को प्राइवेटली इंगेज करके, हायर करके जो है, ये अमला नहीं है, अमला जो है दूसरे काम कर रहा है। और जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम खुद डिमोलिश कर लेंगे कुछ सामान ताकि निकाला जा सके इसमें से बचा कुचा,
तो उन्होंने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उनको इस बात की इजाज़त दी कि आप अपने मजदूर लगा के और आप इसको कर लें। और ये वो नदी है। अच्छा, एक ये रास्ता भी हम आपको दिखा दें जो कि लियाकताबाद का जो है एक्सटेंशन कह लें आप इसको, ये लियाकताबाद का एक्सटेंशन है। नदी से एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए ये वो इलाका है। वालेकुम अस्सलाम। ये वो इलाका है भाई। भाई ये कौन सा इलाका है, कौन सा इलाका कहलाता है? ये गुलबहार निकलता है, नाजमाबाद गुलबहार। ये नाजमाबाद गुलबहार दो नंबर जाने वाला रास्ता है और यहाँ से नाजमाबाद दो नंबर के लोग आते और जाते हैं लियाकताबाद में दाखिल होने के लिए। वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं, ये नदी के अंदर से जो बनाया गया है ये रास्ता। देख रहे हैं आप, बाइक वाला भी ये कहा रहा है और ये लियाकताबाद की तरफ जो है जाता है ये रास्ता नदी के ज़रिए। ये नदी के ज़रिए जो है लियाकताबाद की तरफ जाता है रास्ता, आप देख रहे होंगे। और ये है वो नदी का व्यू जहाँ पे ये कटिंग की जा रही है। और ये देख रहे होंगे आप, ये नदी का वो व्यू। ये जितने भी मकान मसमार हो चुके हैं और किए जा रहे हैं और जो बाकी हैं वो आपको कैमरे की स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। कैमरे की स्क्रीन पे तो खैर मुझे नज़र आएंगे, आपको तो मोबाइल की स्क्रीन पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही देख सकते हैं आप। तो ये वो लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर जिनका अभी मकान मसमार होना बाकी है और कोशिश करते हैं। ये देखेंगे, ये एक जगह जो कि पूरी जो है खाली कर दी गई है, पूरा प्लॉट खाली कर दिया गया और डिमोलिश कर दिया गया है इसको। बचा कुछ सामान यहाँ पर बड़ा हुआ है और गुजर नाला का एरिया है। ये लियाकताबाद से लोग आ रहे हैं इस रास्ते के ज़रिए, गोलीमार की जानिब जो है जा रहे हैं। गोलीमार का इलाका जो है हमने आपको दिखाया है अभी। और बिल्कुल आप देख रहे हैं ये हुकूमती मशीनरी ने काम शुरू कर दिया है। और क्योंकि जब हम दाखिल हुए थे इस इलाके में तो उस वक्त ये खाने का वक्फा यहाँ पर हुआ हुआ था। और ये देख रहे हैं देखें जी, ये पूरा वो मंज़र है और आपको दिखाया जा रहा है। और ये नदी है जिसके अतराफ में जो है इन्होंने ये सजावट लगाने के लिए ये काम करना है। अच्छा, अब हम जो है यहाँ आपको ये दिखाते हुए वापस जा रहे हैं क्योंकि मज़ीद इंक्रोचमेंट जितनी आज इंक्रोचमेंट हुई है और हो गई थी और मज़ीद इंक्रोचमेंट जो है वो बाकी कल होगी। और इसी इलाके में और ये एक खातून खड़ी हुई हैं जिनसे हमारी शुरू में बात हुई थी
अपने बचे हुए मकान के उस एरिया में खड़ी होकर ये सारे मनाजिर देख रही हैं, और इनसे हमारी बात भी हो चुकी थी। ये इन्होंने अब आज ही जीना यहाँ पे लगाया है, सीढ़ी खड़ी की है अपने मकान में आने जाने के रास्ते के लिए, आप देख रहे हैं। और ये इनका आरजी सीना है जो कि इन्होंने अपने बचे कुचे मकान के उस हिस्से में लगाया है ताकि मकान में दाखिल और इखराज का रास्ता बन सके। काम हो रहा है और लोग जो हैं इस वक्त सारे मज़दूर और अमले के लोग सामने मसरूफ़ हैं, जबकि ये जो है आप देख सकते हैं कि ये काम इस वक्त शुरू हो चुका है। बाकी हम आपको जो है कल इंशाल्लाह ताला जैसा भी जो भी सिलसिला होता है हम आपको कल उसके बारे में बताएंगे, और कल के मनाजिर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हम इस एरिया से गुजरनाला 4 नंबर के एरिया से, नदी वाले एरिया से जहाँ इंक्रोचमेंट चल रही है, वहाँ से हम वापस जा रहे हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप लोगों को मज़ीद वीडियोस जो है हम बनाकर दिखा सकें।